राजनीति भी गजब चीज होती है। जब आप सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, तब आपको झटका दे देती है। दो कदम आगे जाकर चार कदम पीछे हटने वाली इस राजनीतिक उठापटक में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक बार फिर से फ्रेम में आने लगे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया है कि वो अब रणनीतिकार की भूमिका में नहीं रहेंगे, पर बिहार में जो वर्तमान हालात हैं उस पर एक निजी न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिन बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रशांत किशोर एक तरह से कहिए तो नीतीश कुमार के बचाव में उतर गए हैं। प्रशांत किशोर से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी ने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने नीतीश कुमार जी को छोड़ दिया था। इसके पीछे उन्होंने तर्क भी कई दिए हैं। साफ तौर पे जब उनसे पूछा गया, और आपको याद होगा कि भारत लाइव ने भी जब पटना वो आए थे और बिहार के विकास की बात कर रहे थे, तब हमने प्रश्न उनसे किया था, उस प्रश्न के जवाब में भी उन्होंने यही बात कही थी कि मुझे वक्त चाहिए बिहार को बदलने के लिए और पावर चाहिए। ये पावर नीतीश कुमार से उन्हें मिला था। जब सरकार में नीतीश कुमार 2015 में आए थे तो प्रशांत किशोर को उन्होंने कैबिनेट का दर्जा दिया था और सलाहकार के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक रणनीतिकार के साथ सलाहकार बनकर के प्रशांत किशोर ने जब बातें कही तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने नीतीश कुमार जी के सामने कुछ शर्तें रखी थी, उन शर्तों के हिसाब से मैं काम करना चाहता था। जब उनसे पूछा गया कि आपने नीतीश कुमार को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी नहीं, बल्कि मैंने नीतीश कुमार जी को छोड़ाया, मैंने ही छोड़ा नीतीश कुमार को, इस विकास के रास्ते में मैं आगे नहीं चल पा रहा था। प्रशांत किशोर ने बताया कि 2015 में मैंने नीतीश कुमार जी से जुड़ने से पहले ही उनसे ये बात कह दी थी कि सलाहकार बनाने से पहले मुझे आपको फ्री हैंड करना पड़ेगा, जिसके बाद बिहार विकास मिशन की शुरुआत मैंने की थी। मेरे अंदर कमी है कि मैंने विकास का ये मॉडल अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर इशारा किया कि आगे वो इस मॉडल को जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह की बातें कहीं। आपको याद होगा कि 2 तारीख को जब 5 राज्यों के परिणाम आ रहे थे चुनाव के, तो प्रशांत किशोर उसके ठीक बाद फ्रेम में आए और उन्होंने अपने आप को अब आगे की रणनीतिकार के रूप में की जाने वाली सेवाओं से अलग कर लिया। हालांकि उनकी कंपनी आईपैक जो है वो काम करेगी। अब हम बात करते हैं बिहार की। उन्होंने कहा कि लगातार पॉजिटिविटी फैलाने के नाम पर जिस तरह से लोग झूठ और झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, इससे आप किसे धोखा दे रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थिति है और कोरोना से एक नहीं दो दो लहर से लोग परेशान हैं, देश और बिहार दोनों पूरी तरह से त्रासदियों से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में पॉजिटिविटी फैलाने का नाम पर झूठ का प्रचार को बढ़ावा देना, निरंतर इसका प्रयास करते रहना बहुत ही ज़्यादा घृणित और गलत है। साफ तौर पे प्रशांत किशोर जिन चीज़ों को कहना चाह रहे हैं उसका मतलब सीधा सा है कि सरकार काम कम और प्रचार ज़्यादा कर रही है, ऐसी स्थिति में आम लोगों को परेशानियां होती हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से संचार माध्यम का दुरुपयोग किया जा रहा है, कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, अधिकारियों को ऐसी स्थिति में भ्रामक प्रचार करने के लिए बाध्य किया जाता है और लगभग अधिकारियों में इसी तरह की बातें होती हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है। इस बीच उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को भी टारगेट किया और कहा कि लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहता है कि वो देश की सेवा करता है, नज़र तो नहीं आ रहे हैं कोरोना काल में लोग। इस सब के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हो रही किरकिरी और नीतीश कुमार के बदले हुए जो हालात हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का ये बयान और प्रशांत किशोर का ये कहना कि वो बिहार विकास के उस मॉडल को छोड़ आए थे, नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ने को मजबूर किया था बल्कि वो खुद छोड़ करके आए थे, आगे उस विकास मॉडल के दिशा में क्या प्रशांत किशोर आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको याद दिला दूं कि लालू प्रसाद ने गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में जो बातें लिखी थी कि प्रशांत किशोर नहीं चाहते थे कि महागठबंधन टूटे, प्रशांत किशोर बार बार लालू प्रसाद से आग्रह करने जा रहे थे कि नीतीश कुमार जी के साथ फिर से संबंध बरकरार कर लिया जाए और महागठबंधन की सरकार फिर से बन सकती है, इन सब बातों का कहीं ना कहीं कोई जोड़ है? क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर से नीतीश कुमार जी के साथ खड़े नजर आएंगे?
क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार जी के साथ खड़े होने में अब प्रशांत किशोर को शायद दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो उन्हें अचीव करना था वो लगभग वो कर चुके हैं। इन सब बातों के साथ हम आपको छोड़कर जाते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी बातों में दम है और इस विश्लेषण में कुछ न कुछ है तथ्य, आप क्या सोच रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।